क्वेश्चन दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल के अराउंड जो है बनाया हुआ है। इफ पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू ये जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर इज 15 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है वो 15 सेंटीमीटर है एंड आर एस इज 14 सेंटीमीटर, ये जो आर एस है ये 14 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी, ये जो एस पी ये लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें अगर हम ये वाली जो लेंथ है, जैसे ये जो सर्कल के और क्वाड्रिलेटरल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं इनको पहले लेट कर लेते हैं, कोई नंबर नेम दे देते हैं, एम एन ओ और पी, तो यहाँ है एल दे देते हैं इसको। तो नाउ एक पॉइंट से दो जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मीन्स ये जो पी एम और पी एल है ये इक्वल होगा। तो अगर हम पी एम को एक्स मान लेते हैं तो पी एल भी हो जाएगा एक्स। नाउ अगर ये पी एम एक्स हो गया और पी क्यू टोटल लेंथ 12 है, तो 12 माइनस एक्स, ये एम क्यू बचेगा 12 माइनस एक्स, ठीक, 12 ये टोटल था, एक्स चला गया 12 माइनस एक्स। नाउ क्यू पॉइंट से दो टेंजेंट इस सर्कल पे बन रहे हैं, क्यू एम एंड क्यू एन, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्यू एम जो है क्यू एन के इक्वल होगा, ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी जो है 12 माइनस एक्स होगा यहां से यहां तक। नाउ ये फुल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, अगर 15 सेंटीमीटर में से ये 12 माइनस एक्स हम माइनस कर दें तो एन आर की वैल्यू आ जाएगी। तो एन आर क्या होगा, एन आर होगा टोटल लेंथ 15, माइनस करना है हमें क्यू एन की लेंथ 12 माइनस एक्स, तो ये आएगा 15 माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस एक्स, 15 माइनस 12 होता है 3 प्लस एक्स, तो ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ आ गई 3 प्लस एक्स। नाउ सिमिलरली आर पॉइंट से इस सर्कल पर आर एन टेंजेंट और आर ओ टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट भी क्या होंगे सेम, तो वो 3 प्लस एक्स है तो ये भी 3 प्लस एक्स। देन ये फुल लेंथ 14 है, इसमें से 3 प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी, तो एस ओ होगा 14 माइनस 3 प्लस एक्स, इसे ओपन करते हैं, 14 माइनस 3 माइनस एक्स, 14 माइनस 3 होता है 11 और ये माइनस एक्स, तो एस ओ जो लेंथ है ये आ गई है 11 माइनस एक्स। नाउ सिमिलरली जो एस ओ लेंथ है और जो एस एल लेंथ है ये भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो ये 11 माइनस एक्स है, ये भी 11 माइनस एक्स। नाउ हमें फाइंड करना है एस पी, एस पी की लेंथ फाइंड करनी है, तो एस पी क्या होगा, एस पी होगा एस एल प्लस एल पी, एस एल की लेंथ और एल पी की लेंथ, तो एस एल गिवन है 11 माइनस एक्स और एल पी गिवन है x, तो देखो x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, sp की वैल्यू आ गई 11 और ये सभी यूनिट सेंटीमीटर में थी, तो sp भी हो गया 11 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है।